हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक गिरी के रिगार्डिंग स्टेज वन सेक्शन टू के मैथ्स के चैप्टर लिमिट्स के पार्ट टू को। यह आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर चल रहे हैं, सो आपको यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो भी कंसेप्ट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे वो सारे कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सो आपका काम यही रहेगा कि सभी कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक देखना और उसको सीखना, और ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से आपको मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि सभी कंसेप्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, प्रीवियस समय में भी पूछे गए हैं, सो आगे भी आने के चांसेस बनते हैं। आपको बता दें कि इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की ओर, अपने क्वेश्चन नंबर वन की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो देखिए, हम जनरली क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करने, क्या करते हैं, सिंपली हम एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करते हैं। हालांकि आप इसको फॉर्मूला पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम एल हॉस्पिटल रूल पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल हमें कहता है कि जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट अगर हमारा रहता है तो हम उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। कौन सा? जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट और आपका इन्फिनिटी, सॉरी, और आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट अगर आपका रहता है तो उसमें क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाने से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक हमारा आपका इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट हट ना जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट ना हट जाए। ठीक है, देखिए हम ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे ए टू द पावर एक्स को, तो ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर देखिएगा, वहाँ पे हमने आपको सभी चीज़ों को बताया है अच्छे से। ठीक है, वन एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, नीचे चाहे एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप जीरो पुट कर देंगे, तो ए टू द पावर जीरो इंटू क्या हो जाएगा, लॉग ए, एनी थिंग पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, इंटू में क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल लॉग ए के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी कुछ नहीं दिया जाए तो लॉग बेस ई ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये आंसर है वन है, क्वेश्चन नंबर वन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा मेथड क्या होता है, आप सिंपली इसको दूसरा मेथड कैसे बना सकते हैं, आपने ए टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, कि आपने ये सीखा होगा जरूर, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा कि ए टू पावर एक्स, ये मार्कर थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, ए टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है, वन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मेट को ई टू द पावर के टर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हम ए टू द पावर एक्स को लिख सकते हैं इस प्रकार से, ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ये कौन सा बेस पे, ई बेस पे। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एम टू द पावर एन, आपने पढ़ा होगा लॉग एम टू द पावर एन का वैल्यू क्या होता है, एन इंटू लॉग एम, यानी कहने का मतलब ये एक्स हमारा ए के पावर चढ़ जाएगा और लॉग ई बेस पे, और ये भी ई है हमारा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा और सिंपल ए टू द पावर एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस वन लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे, एक बार फिर से समझिएगा, ई टू द पावर एक्स लॉग ई बेस पे ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई टू द पावर लॉग ई बेस पे ए टू द पावर एक्स लिख सकते हैं इसको, सिंपल लॉग एम टू द पावर एन वाला फंडा। और देखिए हमने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में ही कि यहाँ अगर बेस सेम रहता है तो हमारा ये क्या होता है, आपका बाहर चला आता है, यानी कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा, सिंपल ए टू द पावर एक्स हो जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ हमारा, ऐसा लिखने का यही फायदा हुआ कि हमारा यहाँ जो फॉर्मेट है, यानी यहाँ जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, ऊपर वाले वैल्यू के बराबर होगा। जैसे कैसे, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स है ना, तो यहाँ पे हम एक्स लॉग ए लिख देंगे और ऊपर क्या करेंगे, लॉग ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब हम देखेंगे कि ये हमारा पूरा जो फॉर्मेट है, यानी जो पूरा वैल्यू है हमारा, किसके बराबर है, ये हमारा इस फॉर्मूला के बराबर है, यानी इस फॉर्मूला के कंपेरिजन में है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के कंपेरिजन में है, तो इसका आंसर क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपका वन के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग ए का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या जाएगा, वन इंटू लॉग ए किसके बराबर होता है, आपका सिंपल लॉग ए के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं दूसरे मेथड से भी। ये आपका मेथड वन हो गया, ये आपका कौन सा मेथड हो गया, आपका मेथड टू हो गया। आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड का उपयोग करिए। हमारा कहना रहेगा कि आप हमेशा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिएगा, एल हॉस्पिटल रूल से जल्दी आंसर बनता है और ज़्यादा दिमाग भी खपाना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स डी वी अपॉन एक्स है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया है, जब भी आपको डिग्री में दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसको रेडियन में चेंज करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, पाई बाई एक्स ओसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पाई बाई एक्स ओसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई बाई एक्स ओसी इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन क्या आपका एक्स है। ठीक है, हमने आपको कहा था कि लिमिट सिखाया था हमने आपको कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अगर रहे तो आप उसको एक्स के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, हमने आपको अभी नहीं बताया है ये चीज़, हमने आपको लेक्चर थ्री में बताया था। ठीक है, तो लेक्चर थ्री में आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स है, टेन एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर है, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स के बराबर होता है। ये दो आपको याद रखना है कि जब भी आपको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया जाए तो आप टेन एक्स को एक्स के बराबर लिख सकते हैं, या आप इसको ट्रिक के तौर पर भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया जाए तो साइन एक्स को भी आप एक्स के बराबर लिख सकते हैं। ये जो हमारा आता है ये बहुत ही कह सकते हैं कि उपयोगी चीज़ है, यानी बहुत ही यूजफुल चीज़ है, जो कि आपको बहुत जगह आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ये आता कैसे आप समझिएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स को क्या लिखते हैं, वन के बराबर लिखते हैं, तो यहाँ से हम सिंपली एक्स को इधर कर देते हैं तो ये हमारा ऐसा आ जाता है। इसको इसको आप प्रूफ भी करके देख सकते हैं, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल याद रखिए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया जाए तो टेन एक्स को हम एक्स के बराबर लिखेंगे और साइन एक्स को हम एक्स के बराबर लिखेंगे। हमेशा लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहे, जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहे। हमेशा याद रखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहना जरूरी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो उसको हम एक्स लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स लिख रहे हैं। और तो यहाँ पे क्या हमारा पाई बाई एक्स ओसी इंटू एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, पाई बाई एक्स ओसी इंटू एक्स लिखेंगे। जो अंदर रहेगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ थ्री एक्स रहेगा तो थ्री एक्स लिखेंगे, फाइव एक्स रहेगा तो फाइव एक्स लिखेंगे, ठीक है। नीचे क्या है, एक्स है, एक्स एक्स कर देगा, वैल्यू क्या जाएगा, पाई बाई 180। क्या जाएगा वैल्यू, पाई बाई 180, ठीक है। मैच कीजिएगा ऑप्शन, मैच कीजिए ऑप्शन, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा है, सी इज द राइट आंसर, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, नंबर थर्ड में लिखा जाना है लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी वन स्क्वायर अपॉन एन क्यू प्लस टू स्क्वायर अपॉन एन क्यू प्लस थ्री स्क्वायर अपॉन एन क्यू अप टू कहा है एन स्क्वायर अपॉन एन क्यू, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा हम कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हम सबसे पहले वन अपॉन एन क्यू कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर अप टू कहाँ तक, प्लस में एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आपने सीखा है, आपने क्या सीखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इन नेचुरल नंबर, यानी इन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। इन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स होता है, और इंटू में पहले से एन क्यू है तो वो तो आपके यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमने आपको सिखाया था जब भी आपको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी या फिर कुछ भी ऐसा दिया जाए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले में हाईएस्ट पावर जो होंगे उसको कॉमन लेंगे। देखिए ऊपर वाले में हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है, हालांकि सभी में एन एन ही है, यानी यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एन क्यू तक जा सकता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो हम क्या करेंगे, एन को रहने देंगे और इसमें से भी एन कॉमन लेंगे और इसमें से भी एन कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एन का क्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा, यानी सभी में से इनमें से और इनमें से दोनों में से हमने एन एन को कॉमन लिया तो एन स्क्वायर हो गया, और पहले से एन है तो क्या हो गया, एन क्यू हो गया, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे, सिक्स इंटू एन का क्यूब कर देंगे। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा तेजी में बता रहे हैं तो आप अगले वीडियो से बताइएगा, हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लो करेंगे, ठीक है। हम इसके लिए तेजी में बता रहे हैं ताकि जल्दी से हमारा सारा सिलेबस, सारा टॉपिक एक बार जल्दी खत्म हो जाए, ताकि हम दोबारा से फिर से नए तरीके से नए क्वेश्चन को हम रिवाइज कर सकें, ठीक है। देखिए यहाँ से एन क्यू से एन क्यू कर जाएगा, और जब आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पूछ लीजिएगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और ये भी आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा वन इंटू टू अपॉन सिक्स, यानी टू से कट जाएगा थ्री टाइम्स, तो वैल्यू हो जाएगा आपका वन अपॉन थ्री, तो वैल्यू वन अपॉन थ्री हो जाएगा। आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टेप्स को आप हटाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स आप बचाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, एग्जामिनेशन में समय बचेगा, ताकि आप यह समय बचाकर दूसरे क्वेश्चन के लिए, आप दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाइएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस टू अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यही है ना। अब आप खुद से सोच सकते हैं, इसको मतलब बनाने का जरूरत ही नहीं है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे एक्स प्लस टू है, और नीचे से अगर हम एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा। और आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जब भी याद रखिएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रहे या फिर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रहे, और नीचे वाला पावर अगर ज़्यादा रहे, नीचे वाला पावर ज़्यादा रहे ऊपर वाले से, देखिए ऊपर का एक्स का पावर वन है और नीचे एक्स का पावर टू है, तो नीचे का पावर ज़्यादा रहे ऊपर वाले से, फिर से सुनिएगा, नीचे का पावर अगर ज़्यादा रहेगा ऊपर वाले से तो इसका वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आप कैसे जीरो मिलेगा वो देखिएगा, देखिए यहाँ से एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट सॉरी क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा। यदि आप इस एक्स में इन्फिनिटी डालिएगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको डायरेक्टली याद रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार से दिया जाए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी, और नीचे का पावर ज़्यादा रहे ऊपर वाले से,
तो हमेशा आंसर क्या आता है आपका, जीरो ही आता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर नीचे का पावर एक भी पावर ज़्यादा है तो कुछ कुछ ना एक्स तो आपका बच ही जाएगा, और वह एक्स आपका जब इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो जीरो दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये सभी क्या आते हैं क्वेश्चन बनाने के बाद, ऐसे ऐसे छोटे टर्म छोटे ट्रिक आपको निकल के आते हैं और ये आपको काम आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब देखिए हमने आपको सिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया जाए तो टेन एक्स को एक्स लिख सकते हैं और साइन एक्स को भी एक्स लिख सकते हैं। अगर एट एक्स लगाएगा तो हम एट एक्स लिखेंगे और टू एक्स है तो टू एक्स लिखेंगे। ये कितना 4 टाइम्स कर जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिंपल 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, सिंपल 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबर 6 में लिखा जा रहा है लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको सिखाया है। यदि आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन सभी के टॉपिक्स को यानी इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो जाकर सभी लेक्चर्स को देखिए, और उन लेक्चर्स को देखने के बाद ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूला या फिर और भी जितने सारे आपके हिडन कंसेप्ट होते हैं वो सारे चीज़ आपको समझ में आ पाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को आप टैकल कर पाइएगा। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को आपको बनाकर बताया है और अच्छे तरीके से आपको सिखाया है, तो सभी को जाकर देखिएगा, एक भी लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ ना कुछ जरूर खो दीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको सलेक्शन चाहिए तो आप जरूर जाकर सभी लेक्चर्स को देखिए, तभी जाकर आप कुछ अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, चलिए तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 होता है। देखिए आपने सीखा होगा 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन स्क्वायर x, यानी यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x हो जाता है, यानी उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पे x है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दिया। नीचे क्या आपका सिंपल x² है। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस कॉस 2x का, वो क्या होता है आपका 2 इंटू कॉस स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला को आप याद रखिए, आपको ये बहुत जगह काम आएंगे। नेक्स्ट आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नोट करके लिखिएगा। ठीक है, नोट करके ये पहला नोट लिखिएगा और ये एक दूसरा नोट लिखिएगा। दूसरा नोट में क्या लिखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर साइन स्क्वायर एक्स रहे तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहे साइन एक्स को एक्स के बराबर लिख सकते हैं, उसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहे तो टेन एक्स को भी आप एक्स के बराबर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहे तो साइन स्क्वायर एक्स को आप एक्स स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस अनुसार क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू ये क्या है आपका x/2 है, तो इसको हम x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको अच्छे से क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिंपल आपका 2 इंटू x² / 4 इंटू x² हो जाएगा। x² से x² कट जाएगा, 2/4 हो जाएगा, वो क्या होगा आपका 1/2 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 से लिखा जा रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन वर्स एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, टेन वर्स एक्स अपॉन एक्स, यदि आप इसमें जीरो डालेंगे तो ऊपर भी जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो हो जाएगा, यानी कौन सा फॉर्मेट है, ये 0/0 का फॉर्मेट है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो टेन वर्स एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा आपका 1/1 + x² कैसे डिफ्रेंशिएट किया है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सभी अगर आपको नहीं आते हैं तो डिफरेंशिएशन के सारे लेक्चर्स को देखिए। डिफरेंशिएशन में हमने आपको 7 लेक्चर्स को दिया है, यदि आप उन 7 लेक्चर्स को देख लेते हैं तो आपके सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जाकर आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, 1/1 + x² है और नीचे क्या है आपका एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। आपको ऊपर भी डिफरेंशिएट करना होता है, नीचे भी डिफरेंशिएट करना होता है एल हॉस्पिटल रूल में। तो ऊपर डिफरेंशिएट किया है हमने तो क्या आ गया 1/1 + x² और नीचे एक्स को डिफरेंशिएशन किया तो आपका 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर देंगे, क्या जाएगा 1/1 + 0, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिंपल 1 के बराबर हो जाएगा। मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। हमने आपको फॉर्मूला ही बताया था पिछले वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर ए रहे तो एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ए टू पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू ए टू पावर एन माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा है, डी इज द राइट आंसर। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको समझिएगा, हमने एन इंटू ए टू पावर एन माइनस 1 को कैसे लाया। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, ये प्रूफ कैसे होगा, तो ये आपका एल हॉस्पिटल रूल से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि आप एक्स के जब ए डालिएगा तो ये 0/0 का फॉर्मेट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं और एल हॉस्पिटल रूल से हम देखिएगा कैसे प्रूफ कर देते हैं कि यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक्स टू पावर एन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1,
ठीक है, और एल द्वारा इनका तो कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, नीचे क्या है एक्स माइनस ए, तो एक्स का वन हो जाएगा और ए का जीरो हो जाएगा, ठीक है। खत्म हो गया बात। तो यहाँ पे हो गया आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और जहाँ जहाँ एक्स का वन हुआ ए पुट कर दीजिए, तो ये एन पीछे आ गया और यहाँ पे क्या हो गया ए टू द पावर एन माइनस वन हो गया, क्या हो गया ए टू द पावर एन माइनस वन हो गया, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, क्या हो गया एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया लिमिट का वैल्यू प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप इतना एग्जामिनेशन में कीजिएगा नहीं, तो आप इसको याद रखते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉरी प्रीवियस वीडियोज में हमने आपको इसका यूज करना सिखाया है, तो आप उस वीडियोज को जाकर देखिएगा लेक्चर नंबर वन को, तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि हमने इसको कैसे यूज किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। नंबर नाइन से पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, आपने सीखा होगा इसका वैल्यू क्या होता है वन के बराबर होता है, ठीक है। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, वो क्या होता है आपका वन के बराबर होता है, ठीक है। ये वन के बराबर कैसे होता है आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से प्रूफ कर सकते हैं, कैसे लिखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स का क्या होता है ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा एक्स का वन हो जाएगा, अगर एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ आप जीरो पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर जीरो, और एनीथिंग टू पावर जीरो क्या होता है वन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। नंबर टेंथ पढ़िएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन क्या है एच है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है एच टेंस टू जीरो कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ को समझिएगा, यदि यहाँ पे अगर हम एच को जीरो के बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, यदि हमारा जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट आएगा यहाँ पर भी हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे अप्लाई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो हमें वेरिएबल देखना है कि हमारा वेरिएबल कौन सा है, और जो भी वेरिएबल रहेगा उसी वेरिएबल के टर्म में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है एच टेंस टू जीरो है, एच टेंस टू जीरो यानी क्या है मतलब यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमारा क्या है एच है, ठीक है। क्या है वेरिएबल हमारा एच है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल हमारा यदि एच है तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमें डिफरेंशिएशन एच के टर्म में ही करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करना पड़ेगा एच के टर्म में ही करना पड़ेगा। चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स प्लस एच का क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एच ही हो जाएगा, और एक्स प्लस एच का क्या हो जाएगा सिंपल आपका वन हो जाएगा, ठीक है। माइनस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ बच्चे सोचेंगे ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है एच है, और यदि एच वेरिएबल होगा तो एक्स क्या होगा उसके लिए कॉन्स्टेंट होगा, तो ये हमारा पूरा क्वान्टिटी क्वान्टिटी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट माना जाएगा, और कॉन्स्टेंट जब माना जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट का क्या होता है जीरो होता है, इस कारण से हमने यहाँ पे जीरो लिखा। फिर से सुनिएगा ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है हमारा एच है, और यदि एच वेरिएबल होगा तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स हमारा क्या होगा कॉन्स्टेंट माना जाएगा, तो इस कारण से कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है। तो ई टू द पावर एक्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमने जीरो लिखा, यहाँ एच है तो एच का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो पुट कर देंगे, तो ई टू द पावर एक्स इंटू जीरो एक्स प्लस जीरो तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मैच कीजिए ई टू द पावर एक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से क्या करते हैं इन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन के बनाने का दूसरा भी तरीका है, आप दूसरा तरीका अभी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो तो और भी लंबा हो जाएगा, तो आप सिंपल ये एक तरीका याद रखिएगा, ये बेस्ट तरीका है, आप इसको अप्लाई कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, कहाँ अप्लाई किया जाता है ये हमने आपको बता दिया है, तो यदि आप इसको अप्लाई करते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको एल हॉस्पिटल रूल से आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय।